हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पजल चल रहे हैं उनकी आज रात की भावनाएं आपको लेके क्या होंगी। गाइस, टाइम लॉस रीडिंग है, जब आप इसे देख रहे होंगे तभी से आप सब रेजोनेट हो गया। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के हैं, अगर एनर्जी आपसे मैच करती है दैट मीन्स रीडिंग आप ही के लिए है। ओल्ड जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस रेजोनेट हो उतने दीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। ओके, आपके पर्सन की आज रात की भावनाएं लेके प्रभु का नाम जय सिया राम। हे मेरे राम जी, मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन की आज रात की भावनाएं जय सिया राम। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव फोर्थ, ओके फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रेफेल। इनका फोर्थ चक्रा जो कि हमारा हार्ट चक्रा होता है वो ओपन हो रहा है, एक्टिव हो रहा है। वाओ, आपके पर्सन अभी तक जो आपको एक्सेप्टेंस नहीं दे पा रहे थे, दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, हो सकता है पास्ट में इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज रहे, इस इंसान को आप पर ट्रस्ट नहीं था। वो इसलिए था क्योंकि आपके पर्सन का हार्ट चक्रा ब्लॉक था। अभी इस इंसान का हार्ट चक्रा एक्टिव हो रहा है, ये अपने हार्ट में दबे हुए पेन को रिलीज कर रहे हैं। आज रात ये इंसान दिल से आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होगा। कहीं ना कहीं ये जो इंसान अभी तक बहुत सालों का पेन, अगर पास्ट में इस इंसान को किसी ने हर्ट किया, डिच किया, तो वो जो पेन इस इंसान के हार्ट में था जिसकी वजह से इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक था, तो ये अभी अपने हार्ट चक्रा को एक्टिव कर रहे हैं, उस पेन को रिलीज कर रहे हैं। और जब ये पेन रिलीज हो जाएगा तब ये इंसान आप पर ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, आपको दिल से एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देंगे। कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो आप या आपके पर्सन हो सकते हैं। नंबर 38 आपसे रेजोनेट कर सकता है जय सी आराम। और क्या है, वाओ, यहाँ पे इनका फिफ्थ चक्रा आके एंजल गैब्रियल, इनका जो थ्रॉट चक्रा है वो भी एक्टिव हो रहा है। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी, हार्ट से स्टार्ट हुआ थ्रॉट पे गया। इनकी जो हार्ट से एनर्जी, जैसे मान लीजिए इस इंसान का हार्ट चक्रा एक्टिव हो रहा है, ये आपको दिल से एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, अभी आपको बताएंगे भी कि आप इनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आप इनके लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। नंबर 38 39, आपके पर्सन अभी इस कनेक्शन में ग्रोथ चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये कनेक्शन आगे बढ़े। अभी तक ये इंसान जो चुप था, हो सकता है बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट था इस कनेक्शन में, अगर थर्ड पार्टी, इन केस थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी इस कनेक्शन में थी, तो अब ये इंसान आपके लिए स्टैंड लेंगे। अब ये इंसान उन लोगों के अगेंस्ट बोलेंगे, उन लोगों के अगेंस्ट खड़े होंगे जो लोग आप दोनों को एक दूसरे के साथ देखना पसंद नहीं करते थे। अब इस इंसान के दिल में आपके लिए वो जगह बन गई है जो आप मतलब कितने महीनों से, सालों से वेट कर रहे थे, कभी तो ये इंसान मेरी वर्थ समझेगा। आपके पर्सन आपकी वर्थ भी समझ रहे हैं और अब ये इंसान रेडी हो रहे हैं आपके लिए स्टैंड लेने के लिए, और उन लोगों को उन्हीं की भाषा में समझाने के लिए जो लोग आप लोगों को एक दूसरे के साथ नहीं देखना चाहते थे। अब थर्ड पार्टी गई काम से, गए टेंशन फ्री हो जाओ, अब जो करेंगे आपके पर्सन करेंगे, आपको कोई एक्शन नहीं लेना है। जय सिया राम, आपके लिए तो रोमांस है। नंबर 33 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है, डोर टू रोमांस। आपके जो पर्सन हैं आपके साथ एक रोमांटिक, कैसे बताऊं, आपके पर्सन आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं, एक रोमांटिक वाइब को फील करना चाहते हैं। आपके पर्सन आपका एक फिजिकल टच चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं। इस इंसान के मन में आपके लिए बहुत प्यार है। अगर आप लोगों ने नोटिस किया, यहाँ पर भी हार्ट चक्रा था और यहाँ पर भी आपको हार्ट ही हार्ट दिख रहे होंगे। इस इंसान के, किसी के तो दिल में लड्डू फूटते हैं, इस इंसान के दिल में छोटे छोटे दिल निकल रहे हैं, किसके लिए, सिर्फ आपके लिए। अभी तक जो आप इस इंसान की एक दिल में जगह नहीं बना पा रहे थे, ऐसा नहीं है आपने एफर्ट नहीं डाले, आपने बहुत कुछ किया, सब कुछ कर दिया, लेकिन अगर हार्ट चक्रा ही ब्लॉक है इस इंसान का, तो ये हार्ट से आपको एक्सेप्टेंस कहाँ देंगे। सो यहाँ पर आपकी गलती नहीं है, लेकिन अभी इंसान अपने हार्ट को ओपन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये जो हार्ट वाले शेप है, खुल गई ना, है ना, चारों दरवाजे खुल गए हैं। ये इन्होंने अपने हार्ट को ओपन कर दिया है, कहीं ना कहीं ये दरवाजा देखिए, ये इनका हार्ट जो पिंजरे में कैद था, अभी ये दरवाजा खुला है। और अभी ये, और इसके जो, इसका जो हार्ट है जो एक पिंजरे में कैद है, इसके लोक की जो की है वो आप ही के पास है। दरवाजे तो इस इंसान ने खोल दिए आपके लिए, अभी इनका हार्ट आप
खोलेंगे। कहने का मतलब ये है कि इस इंसान ने अपना हार्ट चक्रा एक्टिव तो कर लिया है, इस इंसान ने अपना दिल भी खोल के रख दिया है, आपको एक्सेप्टेंस दे रहे हैं दिल से, बस बाकी है तो आपका इनके दिल में आना। कहने का मतलब ये है, सिर्फ बाकी ये है कि आप इनकी लाइफ में आ जाए, आप भी इनको वो एक्सेप्टेंस दें जिस तरीके की एक्सेप्टेंस अभी आपके पर्सन आपको देना चाह रहे हैं। होप आप समझ गए। जय श्री आराम। और क्या है इनकी आज रात की भावनाएं मेरे व्यूवर्स के लिए, आज रात तो आपके पर्सन आपके साथ है, हाँ उड़ने वाले हैं हवा में, ख्वाबों में उड़ने वाले हैं, उड़ता ही फिरूं मैं हवाओं में। देखिए जैसे ये पिजन उड़ रहा है, डोर टू स्प्रिट, सो ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। आपकी जो स्प्रिट गाइड हैं, हमारे जो एंजल हैं, आपके एंसेस्टर हैं, वो कहीं ना कहीं आपके दोनों के यूनियन या रिकनसाइल, आप रिकनसाइल कर सकें, परमानेंट यूनियन में आ सके, उसके लिए कहीं ना कहीं एफर्ट डालते हुए नज़र आ रहे हैं। सो यूनियन का यहाँ पे बहुत बड़ा हाथ है। आपके पर्सन का इन चक्रास का एक्टिव होना कोई ऐसी नॉर्मल बात नहीं है, कहीं ना कहीं स्प्रिट जो है वो आपके इस कनेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। ये जो रोमांस अभी इनके मन में उमड़ रहा है आपके लिए, ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स ही कर रहे हैं ताकि आपके पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन ले सकें। ये उन इमोशंस को अभी फील कर पा रहे हैं जो अब तक ये इंसान आपके उन इमोशंस से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, अपने इमोशंस जो अभी तक ये इंसान खुद ही वाकिफ नहीं थे अपने ट्रू इमोशंस से, कि एक्चुअल में ये इंसान आपको लेके क्या इमोशंस रखते हैं, उन इमोशंस से अभी ये कनेक्ट हो रहे हैं। जय श्री आराम। जो स्प्रिट गाइड है वो इनको गाइड दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, इनको गाइडेंस दे रहे हैं, और आपके पर्सन उन गाइडेंस को फॉलो भी कर रहे हैं। थिंक ओके द थिंकिंग वुमन, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, 47 नंबर एंड 32 आपसे रेजोनेट कर सकता है। 47 वेट कुड़ी दा, किसका है भाई 47 वेट? ये सॉन्ग आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको स्टॉप भी कर रहे हैं, ओवरथिंकिंग चालू है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एक इंसान जब बस थर्ड पार्टी में ही बिजी था, उसके पास टाइम ही नहीं था आपके बारे में सोचने के लिए, हाँ ऐसा सोचते थे कि क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन अब ये इंसान आपके लिए सोच रहे हैं। जय श्री आराम। कि इनको क्या एक्शन लेना चाहिए क्या नहीं, जय श्री आराम। थिंकिंग द थिंकिंग वुमेन के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जय श्री आराम। ये बहुत डेस्परेट होके सोच रहे हैं कि कैसे आपके साथ न्यू स्टार्ट किया जाए, कैसे आपको अप्रोच किया जाए। हो सकता है इस इंसान को थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम हो, ईगो इश्यू इस इंसान को हो सकते हैं, तो ये इंसान ऐसे सोच रहे हैं कि मुझे न्यू स्टार्ट तो करना है, डेफिनेटली करना है इस पर्सन के साथ, मेरे पर्सन के साथ, बट ऐसा कोई रास्ता निकल जाए जिससे मेरा ईगो भी सेफ रह जाए और इस कनेक्शन में न्यू स्टार्ट भी हो जाए। बस क्या करें, ये तो थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम है, ईगोइस्टिक आपके पर्सन हो सकते हैं, सो उसके चलते ये इंसान आगे से इनिशिएटिव नहीं लेना चाहता। अगर आप, मैं तो यही कहूँगी आप भी इनिशिएटिव ना ही लें तो बहुत अच्छा होगा, इन्हीं को आने दीजिए। आपके पर्सन थोड़ा टाइम ले सकते हैं क्योंकि अपने ईगो से डील कर रहे हैं। जय श्री आराम। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा, कि इनको अपना ईगो छोड़ना चाहिए नहीं छोड़ना चाहिए। ओके द गार्डन एंड द गेट, देखिए नंबर 30 नंबर आपसे रेजोनेट कर सकता है। यहाँ पे आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं, चाहे अगर आपसे कहेंगे भी नहीं तो मैं आपको बता दूँ, आपके पर्सन जो आपको छोड़ के थर्ड पार्टी के पास गए थे, जो ये सोच रहे थे कि मतलब बहुत ही, जो दूर से इनको बहुत ढोल सुहावने दिख रहे थे, बहुत ही ग्रीनरी दिख रही थी, पास जाके देखा तो सब सूखा पड़ा था। क्या समझे, कहने का मतलब ये है कि जिस, चाहे कुछ भी आप देख लो, चाहे इनको किसी भी चीज़ का ग्रेड हो, बट जिसके लालच में ये इंसान थर्ड पार्टी के पास गए थे या थर्ड पार्टी को चूज़ किया, ये इनका करियर हो सकता है, इनकी फैमिली हो सकती है, या फिर इनकी फैमिली, चाहे ये मैरिड है अनमैरिड है, बट ये जो भी थर्ड पर्सन या कोई थर्ड ऐसे सिचुएशन जिसने आप दोनों को सेपरेट किया, अब ये वहाँ चले तो गए थे लेकिन ये इनको वो नहीं मिला जो ये इंसान एक्सपेक्ट कर रहे थे। दैट्स वाई अभी ये इंसान इतना सोच रहे हैं कि मैं, अगर मेरे लिए तो मेरा पर्सन ही ठीक था, क्यों मैं छोड़ गया है, कहीं ना कहीं रिग्रेट है। अभी आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी को छोड़ के आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिटरली
जैसे ये आपको व्हाइट बटरफ्लाई दिख रही है, ये कहीं ना कहीं एंजल है, एंजल इनको गाइड कर रहे हैं। ये जो कैद में ये खड़े हैं, देखिए इस इंसान के पास यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हरियाली है, फिर भी इंसान अपसेट है। ये जिस हरियाली के चक्कर में गए थे थर्ड पार्टी में, अभी वहाँ इनको ये कैद फील हो रहा है। ये इस गेट से बाहर जाना चाहते हैं, उस लाइट की तरफ जाना चाहते हैं, जिस लाइट की तरफ ये एंजल इनको ले जाना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके तरफ एंजल इनको गाइड कर रही हैं कि आपकी पर्सन आपकी तरफ आए, और आपकी पर्सन आपकी तरफ आना भी चाह रहे हैं, लेकिन कुछ है जो इस इंसान को रोके है। या तो इनके ये थॉट है, या फिर कोई बाउंड्री है जिसको ये इजिली क्रॉस नहीं कर सकते। ओके, अभी कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, लेकिन वेट कीजिए, आइए जरूर। अगर स्प्रिट इनको गाइड कर रही हैं और ये फॉलो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जय श्री आराम, देर सवेर सही आएंगे जरूर। सो आपको पॉजिटिव रहना है। देखिए कितना ब्यूटीफुल साइन है, नंबर 7 है, यहाँ पे 7 ही मैसेज आया आपके पर्सन की तरफ से, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। देखिए मैंने कहा ना ये जरूर आएंगे, सॉन्ग देखो कितना ब्यूटीफुल आया है। अंधेरों से था मेरा रिश्ता, नया था पुराना था याद नहीं है, तूने ही उजालों से वाकिफ किया, अब लौटा हूँ मैं उस अंधेरे में फिर। ऐसा ही सॉन्ग है, जरूरत मुझे तेरी ज़रूरत है, एक विलन मूवी का सॉन्ग है, सुनिएगा सर, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। हो सकता है आपने अपने पर्सन को हमेशा गाइड किया, हमेशा सही रास्ता दिखाया, आप इनके लिए एक लाइट थे जिस डार्कनेस में ये पास्ट में थे। नो मैटर ये डार्कनेस थर्ड पार्टी के साथ थी, बट जहाँ भी ये थे वहाँ सिर्फ डार्कनेस ही डार्कनेस थी, आप इनकी लाइफ में एक लाइट बन के आए। और जब आए तब इनकी लाइफ बहुत हैप्पी थी, लेकिन किसी कारणवश ये इंसान आपसे दूर हुए। हो सकता है इनकी अवेकनिंग होना ज़रूरी थी, इनकी ये अवेकनिंग के लिए आप दोनों को सेपरेट किया गया यूनिवर्स की तरफ से, तो अभी ये इंसान फिर से उस डार्कनेस में चले गए हैं। सो अभी इनको आपकी फिर से ज़रूरत पड़ी। नेक्स्ट मैसेज वी हैव आप मत ठुकरा देना, इनको डर लगता है कि कहीं आप ना ठुकरा दें इनको। और क्या है, ऐसे इग्नोर मत करो। सो आप जो इनको इग्नोर कर रहे हो, ये इनको अच्छा नहीं लग रहा। अरे तो अच्छा लग, ऐसे आपको अच्छा लगाने के लिए इग्नोर कर रहे हैं क्या? हम तो चाहते हैं कि आपको बेचैनी हो, हम इग्नोर करें, आपको बोदर हो, आपको प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो। नेक्स्ट है, वाह बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, मेरा फेवरेट पंजाबी सॉन्ग है, सुनिएगा जरूर। तेरी मेरी लड़ाई हुई है, रोवे तू नाले रोवा मैं, जान मरने ते आई हुई है। सो बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, सुनिएगा जरूर। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ईगो भी दिख रहा है आप दोनों के बीच। दोनों ही चाहते हैं कि आगे से आप इनिशिएटिव ले, आप चाहते हैं कि आपकी पर्सन आपसे आगे से होके कांटेक्ट करें, और आपकी पर्सन आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। गल्ला दिल दिया साफ करी, गल्ला दिल दिया साफ करी, कि पहला सॉरी तू भी बोल दे, कि पहला सॉरी तू भी बोल दे, चन्ना फिर मैनू माफ करी, गला दिल दिया साफ करी। वाओ बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, सुनना प्लीज प्लीज सुनना, मेरा तो फेवरेट, मतलब दिन में कितनी बार ही सुनवा लो इस सॉन्ग को। तो लड़ दे ओ आपे आपे रोने ओ, साडा पीपी हाई थोड़ा हुंदा लो, एक दूजे नाल हमेशा खड़ना, अज तो नहीं आपा कदे लड़ना, अखां दोवां ने सुजाई हुई है, रोवे तू नाले रोवा मैं, जान मरने ते आई हुई है। ईगो बीच में आ रहा है, दोनों की जान मरने पे आ रही है, दोनों की हालत खराब है, लेकिन ना मैं नहीं मैं एक्शन नहीं लूंगी। बस पहले आप देखते हैं कौन पहले करता है कांटेक्ट। आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? अरे अभी तो रीज़न बताया, आपके पर्सन पूछ रहे हैं आप मुझसे बात क्यों नहीं करते, अभी रीज़न बताया ना। ईगो दोनों के बीच कम नहीं हो, वैसे कम तो आप भी नहीं हो।
नेक्स्ट वी हैव दिल दे दिया है जहां तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। अभी तभी आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। इस इंसान को एहसास हो चुका है अपनी मिस्टेक का कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की, ये कितने बड़े भूतिया थे कि ये ये आपको छोड़ के धड़वाड़ी के पास गए। सो अभी इनको एहसास है आवारगी में बन गया दीवाना, मैंने क्यों सादगी को नहीं जाना, चाहत है कि ये इस कदर प्यार दूँ दुनिया को। ठीक है, सुन लेना आप। नेक्स्ट है, सॉन्ग ही सॉन्ग आ रहे हैं, सॉन्ग निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। हंसी बन गए, हाँ हंसी बन गए, हाँ हंसी बन गए, तुम मेरे आसमां तुम मेरी ज़मीन बन गए। लाइफ पार्टनर कब बनाओगे, कब दोगे कमिटमेंट? वी आर वेटिंग फॉर कमिटमेंट। हमें किसी की ज़मीन नहीं बनना, हमें किसी का आसमान नहीं बनना, हम इंसान हैं, हमें इंसान ही रहने दो। कम से कम इतनी तो वैल्यू दे दो, इंसान जितनी वैल्यू दे दो, आसमान ज़मीन नापते रहना बाद में। सो अभी मैं ये देखती हूँ आप लोगों के लिए गाइडेंस, आपको क्या करने की ज़रूरत। हे मेरे राम जी, मेरे व्यूवर्स को इस वक्त क्या करने की ज़रूरत है? चलिए यार, आपके लिए मैसेज आया है, ओके, रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव। कहीं ना कहीं आप सेल्फ लव नहीं कर रही हैं, आपको खुद को वैल्यू करना सीखना पड़ेगा। अगर आप कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, कुछ व्यूअर मेरे कर भी रहे हैं, नंबर 24 आपसे रेजोनेट कर सकता, नंबर 30। लेकिन याद रखिए, सेल्फ लव के लिए भी, सेल्फ लव की भी एक प्रैक्टिस होती है। ऐसा नहीं है आज कर लिया कल छोड़ दिया, नहीं, प्रैक्टिस कीजिए, एक दिन आप बहुत ही एक्सपर्ट हो जाओगे सेल्फ लव में। फिर आपके आपको खुद के सामने कोई दिखेगा नहीं, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आप खुद को दोगे कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगना चाहिए, तुम्हारे खुशी के लिए तुम्हें अच्छा लगे वो कोई काम मैं नहीं करूँगी, मुझे अच्छा लगना चाहिए। मैटर ये नहीं करता कि आपको मैं पसंद हूँ या नहीं, मैटर ये करता कि मुझे तुम पसंद हो या नहीं। तो ये होता है सेल्फ लव, ठीक है। सो गाइस, ये थे छोटे से रीडिंग, होप आप सर रेजोनेट किए हैं। रेजोनेट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें, जय सियाराम।